नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की स्पेशल बुलेटिन की ओर। आम आदमी पार्टी के द्वारा निकाला गया एक विशाल मार्च, देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मनोज उप्रेती की एक खास रिपोर्ट। आपको बताते चले, आज टनकपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक विशाल मार्च निकाला गया, जिसके तहत मार्च शास्त्री चौक से शुरू होकर मेन बाजार होते हुए वापस शास्त्री चौक पर समापन किया गया। आज आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए आप प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने बताया कि बीजेपी ने पिछले 4 साल बर्बाद किए हैं। आज उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और बताया कि सरकार को इन 4 सालों का हिसाब देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जिला कोऑर्डिनेटर दीपक भट्ट, संगठन मंत्री दिनेश रावत, रुचि धस्माना, कुसुम शर्मा, कुसुमलता नाजरा, नारायण सिंह, केशव कुमार, रविंद्र त्यागी, ललित मोहन जोशी, अर्जुन अनुज कुमार, नरेश गुप्ता, आशिफ वारसी, देवी दत्त जोशी, दुर्गा चरण, हेमा रंजना रस्तोगी आदि उपस्थित रहे। देखिए इस मामले में क्या कहना है प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा का। ये है, आज बीजेपी सरकार को बने 4 साल हो गए हैं। उन्होंने जो उत्तराखंड के 4 साल बर्बाद किए हैं, उसके लिए आज आम आदमी पार्टी पूरी 70 विधानसभाओं में काला दिवस मना रही है और चंपावत विधानसभा 55 में भी आज रैली निकाल कर प्रदर्शन करके उनके खिलाफ ये दिवस मनाया गया है, काला दिवस, कि उन्होंने 4 साल शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार किसी पर ध्यान नहीं दिया और हमारे 4 साल बर्बाद कर दिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।